ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हर रोज़ अपने चैनल पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाग्य चमका देंगे कार्तिक मास के ये आखिरी पाँच दिन, अमीर बना देंगे आपको ये उपाय जो आपको करने हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास के आखिरी दिन जरूर करें ये उपाय, आपको मिलेगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। लेकिन दोस्तों जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग कार्तिक मास के दिनों में आखिरी दिनों में इन कार्यों करके भगवान और माता रानी का आशीर्वाद पा सकें। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार स्नान दान के पवित्र महीने कार्तिक के कुछ ही दिन रह गए हैं और ये पूरा का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास का समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ हो जाएगा। इस महीने के आखिरी पाँच दिन काफ़ी खास बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन पाँच दिनों में देव उठान एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा शामिल होती हैं। माना गया है कि पवित्र कार्तिक मास के आखिरी पाँच दिनों में कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो आपका भाग्य भी चमका सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अब तक ये वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को और लाइक भी करिएगा। दोस्तों वापस आते हैं अपने उपाय पे। प्रोविदनी एकादशी पर व्रत रखें और शाम को गन्ने के मंडर में भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह कराएं, फिर रात में जागरण के बाद भजन कीर्तन करें, वैष्णव पद प्राप्ति होगी। द्वादशी पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करें, जल से भरे घड़े में सुपारी, सोना चांदी, कुछ धातु डालकर दान करें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास होगा, साल भर धनवर्षा होगी। त्रयोदशी पर सुबह प्रदोष काल में स्नान करें, 32 दीप जलाएं, शिवजी का पंचाक्षर स्रोत से अभिषेक करें और मौन व्रत धारण करें, माँ गौरी प्रसन्न होंगी, धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विश्वनाथ की पूजा करें यानी भोलेनाथ की। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को सभी तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा यानी आखिरी पांचवें दिन स्नान दान करने से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान कार्तिकेय के दर्शन कर प्रदोष काल में दीप दान से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस कार्तिक मास कार्तिक महीने के कुछ अंतिम दिनों में ये उपाय करें जो हमने बताए हैं, इन सब की ही विशेष महत्व है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको तरह तरह के दुख, कष्ट, परेशानियां, आर्थिक संकटों से निजात मिलेगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा और सारी सुख सुविधाएं, धन धान्य आपके पास होंगे। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा ये उपाय जरूर करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी आपको प्राप्त। दोस्तों यदि आपको भी ये वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।